हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। द वाइज यार, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दिवाली, और ये मेरे टेराकोटा के लैम्प है। साइज़ वाइज आज मैं वेजिटेबल गार्डनिंग की बात करूँगी, जो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। आज तक मैंने कोई भी धनिया के अलावा कोई सब्ज़ी ग्रो नहीं की है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा रोज़ ब्लूमिंग हुआ है। विंटर स्टार्ट होने वाला है, और आज हम लाइटें भी लगाएंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है 2-3 दिन बाद में, 30-31 को, जो भी जिस दिन आप सेलिब्रेट करना चाहो। तो दिवाली भी आने वाली है, तो आज हम वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको शीट्स दिखाती हूँ, मैं कौन कौन से मेरे पास शीट्स अवेलेबल है और मैं किससे वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो हम इसको लेते हैं आज स्टैंड के रूप में, इसके ऊपर रखते हैं हम एक बाउल। पालक के शीट्स और प्याज की पूली होते ना, उसके शीट्स और करेले और लौकी के शीट्स। मैं आपको दिखाती हूँ कितने तरह के शीट्स हैं मेरे पास। सॉरी, फोन गिर गया था। तो हाँ, शीट्स की बात करें तो ये मेरे पास प्याज की पूली के शीट्स हैं, जो ब्लैक कलर के हैं, जो विंटर में हर सब्जियों में काम आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो शकरकंदी वगैरह में बनाते हो तो उसमें प्याज की पुली ऐड कर सकते हो। ये प्याज की पुली के शीट्स हैं। और इसके बाद करें तो ये पालक है, जो समर विंटर दोनों में ग्रो होता है और दोनों में काम आता है, सारे सीजन में। ये पालक के शीट्स हैं, अच्छी वैरायटी की शीट्स हैं। मैं आज इनको सिर्फ बुआई करूँगी, इनको ऐड करूँगी मिट्टी में। अभी कितने दिन में ग्रो होते हैं आज मैं शीट्स के बारे में बताऊँगी, और कितने दिन में ग्रो होते हैं उसका अपडेट मैं आपको दिखाऊँगी। और इन शीट्स की बात करें तो ये करेले के शीट्स हैं, जो इनको ऐसे रुपाई होती है इनकी, ऐसे ये करेले के शीट्स हैं, 9 करेले के शीट्स हैं। और ये शीट्स की बात करें तो ये लौकी के शीट्स हैं। ये शीट्स की बात करें ना तो ये भी लौकी के शीट्स है। उन दीदी ने बोला था कि इसको भी ऐसे, पता नहीं ऐसे तो नहीं रखते, शायद ऐसे बोला था उन्होंने, किसका जो ये नॉट एरिया होता ना नॉक, इसको ऐसे ऐड करता है। तो मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले ईजिली पालक से ग्रो करूँगी के, और मैं उसका सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट है ठीक है, पार्ट सेकंड में ये बताऊंगी कि वो कैसे ग्रो हुआ, कितने टाइम लगा। मेरे हिसाब से 1 वीक इजी रहेगा, तो मैं थर्माकोल में लगाऊंगी। तो ये मैंने एक सेटअप बनाया, हाँ, तो ये मैंने थर्माकोल लिया, थर्माकोल में मिट्टी ऐड की है, और अभी मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगी मिट्टी, मैं इसी के अंदर सारा कंपोस्ट मिक्स करूंगी। मेरे पास कोकोपीट भी है, बट मैं उसको भी ऐड नहीं करूँगी, फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा क्या ड्राई मिल सकती वो है, रेड सॉइल आ गई इसमें। यार आज बहुत ज़्यादा फूल मिल रहा है। DAP थोड़े बहुत ऐड करूँगी मैं, DAP पर मैं कंपोस्ट ज़्यादा ऐड करूँगी। देखते हैं फर्स्ट टाइम क्या रेस्पॉन्स रहता है। इसके ऊपर थोड़े से पत्थर वगैरह आया तो मैं इन सबको हटा दूंगी। हमने मिट्टी को समतल किया है, ये पालक की शीट्स है, तो मुझे नहीं पता मैं जिस तरीके से ग्रो कर रही हूँ वो तरीका सही है या नहीं है मिट्टी में। बस मैंने एक नॉर्मल मेथड देखा था कि उस हिसाब से ग्रो करूँगी, तो मैं ऐसे मिट्टी को ऐसे कर दूँगी। मेरे पास वो है तो नहीं, बट तो मैं इसमें शीट्स ऐसे लाइन से डाल दूंगी।
हे भगवान गणेश, अच्छे से शीट्स ग्रो होना। इस मिट्टी को थोड़ा सा और इसमें कंपोस्ट ऐड करके इसको थोड़ा ढक देंगे। अपन भी बाद में इसका ग्रोथ देखते हैं कि पालक कैसे ग्रो होता है। शायद मैंने सही तरीके से ग्रो किया है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, इसको शेडेड एरिया में रखेंगे। 1 वीक बाद इसका क्या रिजल्ट आता है मैं 5 सेकंड में दिखाऊंगी। इसकी अच्छे से वॉटरिंग कर देते हैं, अच्छे से वॉटरिंग कर दी है। कुछ बीज ऊपर आ गए हैं, अच्छे से वॉटरिंग की है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर ये सक्सेस रहा तो इसके बाद मैं बाकी दूसरे शीट्स ग्रो करके दिखाऊंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।